बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 4 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदी। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में इस सवाल के क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फैक्टर थ्योरम भी समझाया, सब कुछ समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, ये वीडियो उसका अगला पार्ट है। मैं वो बातें पहले समझा चुका हूँ, वो यहाँ दोबारा नहीं समझाऊंगा। सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। पार्ट 2 में क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब एक्स 4 वन था 4, 4 के मल्टीपल क्या है 2, 2 4, ठीक है। तो अब मुझे 4 के मल्टीपल्स क्या है, एक तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा और एक 2 होगा, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक है, 2 4 होता है, तो 1 होगा 2। अब यहां मुझे जो नंबर फर्स्ट करके लगाना है वो या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा या प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा। मैं प्लस 1 लगाता हूं पहले और अपने जहन, ठीक है। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 1 का 4 तो नहीं बचो, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो रहा है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 8 ये आ रहा है आपके पास माइनस 6, तो 1 जो है प्लस 1, प्लस 1 बिल्कुल भी इसका जो है x की वैल्यू नहीं हो सकती। अब मैं जल्दी से माइनस 1 को चेक कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 का 4 और माइनस 1, ये प्लस 4 माइनस 4 या प्लस 1 माइनस 1 या, तो हाँ माइनस 1 ऐसा नंबर है जो x की जगह लगा दें तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो आप सॉल्यूशन पे आओ, आपका सॉल्यूशन क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब आप कहो लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देन p माइनस 1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां माइनस 1 लगाते रहो, माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 3 टाइम लग गया, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 का 4 माइनस 4। तो वही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले रफ में की थी, माइनस 4 प्लस 4 से किया, प्लस 1 माइनस 1 से किया, तो आपके पास पी माइनस 1, पी माइनस 1 ये बराबर है 0 के। पिछले लेक्चर में हमने कहा था जब एक्स माइनस 1 होगा तो फैक्टर आपके पास होगा एक्स प्लस 1। सिंस पी एक्स इज इक्वल टू 0 सो एक्स वन फन आ गया, तो एक्स प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड पी एक्स बाय एक्स प्लस 1। दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, पी एक्स को 1 से डिवाइड करना है, इस पी एक्स को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। हम इधर कर लेते हैं, पी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसको डिवाइड किससे करना है, क्या फैक्टर आते हैं वो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। मैं जल्दी से डिवाइड करता हूँ आप देखिए तरीका, एक्स मल्टीप्लाई एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज होंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आगे आपके पास क्या बच गया माइनस 4x माइनस 4,
एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, माइनस फोर एक्स आ जाए, माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई माइनस फोर, माइनस फोर एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस फोर वन ना फोर, साइन चेंज हो, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास आ गया जीरो। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये दूसरा फैक्टर आपके पास आ गया है, ठीक है। ये आपके पास एक्स माइनस आर है और ये आपके पास की एक्स है। तो अब हमें पता है एज वी नो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर, रिमाइंडर तो लाजमी जीरो होगा, ठीक है, पी एक्स का रिमाइंडर जीरो होगा। तो पी एक्स क्या है, ये है आपके पास एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस आर, किसके बराबर है आपके पास, ये बराबर है एक्स प्लस वन के, और क्यू एक्स के बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो आर आपके पास बराबर है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है ना, ये वाला, इसकी कुछ मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम इसके मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों, ए स्क्वायर है, इसको हम इस तरह कर देते हैं, ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट थ्री पर जाते हैं। तो बच्चों इस सवाल के पार्ट थ्री में कह रहा है एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, वही तरीका, हम एक्स की कोई वैल्यू ले लेते हैं, सिक्स वन जा सिक्स, तो हमारे पास फैक्टर हो गए वन टू और थ्री। तो हम पहले वन में चेक करते हैं प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन से चेक करते हैं वन क्यूब माइनस वन का क्यूब वन होगा, ठीक है, सेवन वन जा सेवन प्लस सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है वन वो नंबर है जिस पे ये सॉल्व हो रहा है, जिस पे जीरो आ रहा है, ठीक है। आप सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन आपके पास क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। अब आप कहो लेट लेट x इज इक्वल टू वन, वैल्यू पुट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा देन पी वन इज इक्वल टू वन का क्यूब वन क्यूब माइनस सेवन वन प्लस सिक्स। और ये काम आप पहले रफ पर कर चुके हो, और जरूरी नहीं रफ पे करो, आप अपने जहन में भी कर लो, फिर आपके पास आ जाए, तो पी वन आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू वन का क्यूब क्या वन सेवन वन जो सेवन प्लस सिक्स, सिक्स वन सेवन, ये हो जाएगा पी वन आपके पास हो जाएगा सेवन माइनस सेवन, सिक्स प्लस वन प्लस सेवन माइनस सेवन, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर आ गया पी वन आपके पास आ गया जीरो, ठीक है। तो सिंस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स आपके पास जीरो था, तो एक्स वन है, तो फैक्टर क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस वन, then x minus 1 is factor of px, ठीक, to find other factor divide px by दरवाजे। अब आप पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करें, यहां आप पी एक्स लिखते हैं एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से, x
के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की बात है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की माइनस इंटू प्लस माइनस वन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये साइड पर चला जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो अगले चैप्टर में डिटेल से आपको समझा देंगे। अब ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर पहले आएगा एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर आ जाए, ये अब आपके पास आएगा एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस वन एक्स एक्स, साइन चेंज होंगे, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये कैंसल, माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, माइनस सिक्स आ जाए, तो ये होगा माइनस सिक्स, एक्स मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स वन सा सिक्स, और ये साइन चेंज हो गए और ये कैंसल हो गया आपके पास। अब ये आपके पास एक्स, ये एक्स माइनस आर था, और ये आपको क्वेश्चन जो है ये भी मालूम हो गया। अब हम जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, तो रिमाइंडर थ्योरम ने हमें क्या कहा था, रिमाइंडर थ्योरम ने हमें रिमाइंड कराया था एल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर। अब एक्स माइनस आर यहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, क्यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और आपके पास है जीरो। अब ये जो चीज है बच्चों, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करें एक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई इस साइड पे कर देते हैं कि आपको ज्यादा बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस हो जाए। ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वन, और ये आ गया। अच्छा एक्स स्क्वायर को सिक्स से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया सिक्स वन सिक्स, तो अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो सिक्स आए, लेकिन जिनको प्लस माइनस करूं तो प्लस वन आए, तो मेरे पास थ्री टू सिक्स है, तो यहां मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिखूंगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स और माइनस सिक्स। अब ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स का वन, ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, इन दोनों में माइनस टू कॉमन है एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस से माइनस माइनस हो गया ना थ्री, ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, ये हो गया आपके पास इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक तो बच्चों इसके साथ ही बस हम फिर लेक्चर का अख्ताम करते हैं, एक्सरसाइज के बाकी जितने पार्ट हैं उनको आप खुद से हल करने की कोशिश करें, यही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। फिर भी अगर मुश्किल होती है तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें बाकी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, सारे यहाँ सॉल्व कर दूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। आप कुछ पार्ट खुद सॉल्व करें, कुछ पार्ट खुद सॉल्व करें वो हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आप जाके अपने चेक करें कि आपने क्या मिस्टेक किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।